अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सर कुश्तागर व मेयर नमकियात। प्यारे दोस्तों, आज मैं ऐसी जड़ी बूटी लाया हूँ जिस पर बहुत से हुक्मात रात को डाउट है। मैं आज पहचान कराऊँगा इस बूटी की और बताऊँगा कि इस बूटी को क्या कहते हैं, और जो लोग समझते हैं इस बूटी के नाम को वो इंशाल्लाह पहचान करेंगे और मेरी कावश को पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। दोस्तों, बहुत सारे लोग गाजर बूटी नहीं जानते। आम सड़कों पर उगी हुई बदबूदार बूटी को गाजर बूटी कहते हैं। ये है गाजर बूटी। असल गाजर बूटी ये है, इसके नीचे ये देखे फूल भी गाजर की तरह हैं। इसके नीचे गाजर नहीं होती, जड़ होती है। पत्ते फूल बिल्कुल गाजर की मानद होते हैं और जब बीज पक जाते हैं तब भी ये गाजर की माने दी होते हैं। और इस बूटी की अगर खुशबू ली जाए, पत्तों को मसला जाए, तो बिल्कुल गाजर की सी बू आएगी। और दोस्त इस बूटी को समझते हैं कि ये गाजर बूटी है। दोस्तों, ये गाजर बूटी नहीं है, आम फसलों को तबाह करने वाली बूटी है। कुछ लोग इसको अफसातीन भी कहते हैं, ये अफसातीन भी नहीं है। तो मैं हमेशा वही बूटी पेश करता हूँ जिस पर दोस्तों को डाउट होता है। असल गाजर बूटी ये है, वो असल गाजर बूटी नहीं है। ये देखें, इसको ऐसे पत्ता इसका तोड़ें, इसको हाथों में मसलें और खुशबू लें। जब खुशबू लेंगे तो सेम गाजर की स्मेल आएगी, वो आएगी। और ये देखें, इसका फूल भी ऊपर से गाजर की तरह ही होगा। ये देखें, बिल्कुल सेम गाजर की तरह फूल होगा। ये आम सड़कों के किनारे लगी होती है। जो लोग पूरी नेट पर गाजर बूटी समझ रहे हैं, वही गाजर हमेशा वही जड़ी बूटी काम करेगी जिसकी असल पहचान होगी। कुछ दोस्त ऐसे ही वीडियो बनाकर या वेबसाइट पर फेंके जा रहे हैं, जड़ी बूटियों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। नए स्टूडेंट इन जड़ी बूटियों को देखकर समझते हैं कि यही होगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नेट पर गलत दी जा रही हैं। ला इलम लोग, पूरा इलम नहीं होता मगर वीडियो बनाकर या वेबसाइट पर तहरीर लिखकर तस्वीरें दे देते हैं। तहरीर होती है असल बूटी की और तस्वीर होती है गलत बूटी की। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल किसे उस्ताद या किसे सन्यासी को अपने उस्ताद बनाएं, उससे सीखें। ये बहुत बड़ा इलम है। इस इलम को आगे फैलाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, आप दोस्तों के लिए बनाया है। और काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो लाइक भी नहीं करते और कमेंट्स में नहीं देते। कोई भी बात हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें और लाइक मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।